और ये जमानत इस बात का संदेश है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था कायम है। एक झूठा, बेबुनियाद, फर्जी तथ्यों के आधार पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए जो मामला बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था, बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, आज उस अभियान पर, उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि यह तथाकथित शराब घोटाला, इसका ना सिर है ना पांव है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। इस पे ना कोई तथ्य है ना प्रमाण है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है, इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है, इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला, उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। संजय जी, ईडी ने अपोज किया था बेल को, वो अपील भी नहीं सुनी गई है कोर्ट, इसलिए कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में ये केस बनाया है, इसलिए उनको कोई, उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुकदमे का मकसद था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना, बर्बाद करना, ये मकसद था बीजेपी का। हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। और मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग भी तैयार है। और कोई भी न्यायपालिका से जब एक जमानत मिली है, तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आनन फानन में आप जाके कहीं उसको ऊपर से उस जमानत के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। सर, चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, तब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेल दी गई और अब चुनाव के बाद, उस वक्त भी मकसद यही था, चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना, उस वक्त भी मकसद यही था, आम आदमी पार्टी को हराना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुकदमा ही पूरा झूठ की बुनियाद पे, झूठे तथ्यों के आधार पे फर्जी तरीके से मामला बनाया गया है और एक एक आदमी को पकड़ के जेल में डाला गया।